एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर के खेरली से खबर है, 18 दिन बाद भी नहीं लगा नाबालिग का सुराग। बरामदगी की मांग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे परिजन तो ग्रामीण भी पहुंचे, लड़की के परिजन पहुंचे पुलिस थाने, नाबालिग की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। 7 नवंबर को सोते समय नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। नामजद आरोपी रोहित मीणा की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्त हो गया है लंबा, लेकिन उसके बावजूद भी नाबालिग के बारे में कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है। 7 नवंबर की ये घटना है जब नाबालिग अपने घर में सो रही थी और उस दौरान ये अपहरण कर लिया गया। परिजनों के द्वारा नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब ग्रामीण और परिजन पुलिस थाने पहुंचे हैं, नाबालिग की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। मेरी बेटी को अपहरण कौन कर ले गया? मैना। कौन, क्या नाम है उसका? रोहित मैना, महेंद्र का लड़का। कब ले गया था? 7 तारीख को। तो आपकी बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा? कोई सुनाई नहीं है। और अखिलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये पूरा मामला क्या था और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, 18 दिन हो चुके हैं। जी, जानकारी देना चाहूंगा कि खेड़ली थाना के गांव है सौकर, जहां एक नाबालिग किशोरी है 14 वर्षीय, वो अपने घर पर सोई हुई थी और एक रोहित मीणा नाम का युवक उसको रात में सोते समय अपहरण कर ले जाता है। और सबसे दुखदायी बात यह है कि गरीब परिवार की लड़की है जिसके पिता की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद जब सुबह माँ चाय देने उस बेटी को गई तो बेटी जब नजारत मिली तब उसने और घर वालों से कहा, आस पड़ोस वालों से कहा। उसके बाद सब परिजन जब थोड़ा शक उस लड़के पर हुआ, रोहित मीणा पर, तो खेड़ली थाने में 7 नवम्बर को मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बावजूद जब लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया तो लड़की की माँ और जो और परिवार वाले हैं उन्होंने गांव वालों से गुहार लगाई और आज सुबह गांव में भी एक पंचायत जोड़ी गई थी जिसमें आरोपी युवक को भी के परिजनों को बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद ग्रामीण पूरा इकट्ठा होकर महिला पुरुष खेड़ली थाने पहुंचे जहां खेड़ली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद से मिले और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली, जिस पर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने पूरा कार्रवाई पुलिस कार्रवाई से अवगत कराया। साथ में ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आपकी नाबालिग किशोरी को अति शीघ्र बरामद कर दिया जाएगा और आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण थाना अधिकारी के आश्वासन के बाद माने, लेकिन उन्होंने कहा अगर अति शीघ्र लड़की का सुराग नहीं लगता है तो फिर आगामी आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक अपहरण हो गया लड़की का, गांव का नाम सौकर। कौन अपहरण करके ले गया? एक मीणा का लड़का था, मतलब महेंद्र मीणा का लड़का। नाम बताओ, कहाँ का रहने वाला था? सौकर। लड़के का क्या नाम है? मोहित मीणा। आपकी क्या लगती है जो जिसका अपहरण हुआ है? मेरी बहन है। कितनी उम्र थी उसकी? 14।